जूम करते हैं रिकॉर्डिंग। पहले वाले पार्ट में क्या किया बताओ लड़के, किस किसने किया है ये? सर इसमें सिंपल दोनों वो काई से है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा लिया, उनका प्रोडक्ट ले लिया। बिल्कुल सही किया है एकदम, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। ये आपका इलिप्स बना हुआ था, ये बना हुआ है देखो इलिप्स, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाय अपॉन एनी टेंजेंट। तो आपने क्या किया, ये टेंजेंट बनाया, मान लेते हैं ये टेंजेंट बनाया आपने, तो आपके पास ये एक है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ले लिया इसके ऊपर, और दूसरा वाला है वहां से आपने परपेंडिकुलर ले लिया इसके ऊपर। इन दोनों को अगर एक को मैं पी वन बोल देता हूँ, दूसरे को मैं पी टू बोल देता हूँ, ये पी वन है मेरे पास में, ये पी टू है, तो पी वन और पी टू का जो प्रोडक्ट रहेगा बेटा वो आपके पास में बी स्क्वायर आना चाहिए। एनसीईआरटी में किसी ने देखा ये क्वेश्चन, कोई ऐसा है? आप रिसर्च नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो सर्च किया करो, क्योंकि आप अपने एनसीईआरटी है नहीं सर मेरे पास। अबे यार ऑनलाइन भी इतनी मिलती है यार, तुम भी मजे लेते रहते हो। ठीक है, ये भाई सिंपल सा टास्क है, ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से टी इज इक्वल्स टू जीरो अप्लाई कर लो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैंने निकालना सिखाया, पी वन निकालो पी टू निकालो, दोनों को एडजस्ट करोगे आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को एडजस्ट करना है, कुछ नहीं होगा, सिंपल एडजस्टमेंट है और डायरेक्ट आंसर है। अगर कोई चाहता है मैं इससे आगे सॉल्व करूं तो बेटा मैं प्रोसेस बता देता हूं, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है, अगर आप चाहोगे तो मैं कर दूंगा। टी इज इक्वल्स टू जीरो लगाओ इस पे, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए, ये आ जाएगा वाई साइन थीटा अपॉन में बी इज इक्वल्स टू वन, ये टेंजेंट आ जाएगी। उसके बाद में यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है आपको क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है हमारे पास एक्स वन वाई वन, ये आपके पास में होता है कितना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी। तो पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में ए एक्स एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन में कितना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नहीं क्लियर है सर, बस यहां से P1 निकालो P2 निकालो, दोनों का प्रोडक्ट लेना, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, काम आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ये वाली टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम आप सब लोग जानते हैं, एक चीज याद रखना, जिस तरफ का आप लेटस रेक्टम कंसीडर कर रहे हो उसी तरफ का डायरेक्ट्रिक्स लेना, ये डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस तरफ का लेटस रेक्टम ले रहे हो आप उसी तरफ का डायरेक्ट्रिक्स भी आपको लेना होगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया लेटस रेक्टम। अब ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पास थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो टेंजेंट बनानी है, इसने क्या बोला है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो भाई, हमने बोला ठीक है जी बना देंगे, ये यहाँ वहां से कट करेगी जहाँ पे एक्सिस और वो लेटस वो डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, यहाँ बनेगी, ठीक है, टेंजेंट है यार, ये कॉर्ड नहीं है, याद रखना। ठीक है, बन ऐसा रहा है लेकिन ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे, तो वो तो ज्योमेट्री के हिसाब से है, ये इस पॉइंट पे है, ये इस पॉइंट पे है, ये टेंजेंट है मेरे पास। ठीक है, बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक ये हो गई टेंजेंट, ही हो गया सारा मामला, अब क्या कर सकते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दे इसमें बस। अरे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं है, उसको ये बताना है टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम पास थ्रू द कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन द मेजर एक्सिस, ये बताना है, इस जगह से पास करेगी ये वाली कोई भी टेंजेंट। बताओ क्या किया जाए, ये पॉइंट कितना है कोई बता सकता है, माइनस नहीं प्लस, ठीक है, माइनस इस तरह का है, ये पॉइंट है। ठीक है, टेंजेंट लिखो और सेटिस्फाई करा लो यार इसमें। लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज याद है, इसमें जनरल कोऑर्डिनेट नहीं लेना, लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज लेने होंगे, कौन से होते हैं बताओ, ए ई और बी स्क्वायर बाय ए, ए ई बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए, इस पे अप्लाई करना बच्चे। ठीक है, इस पे t is equals to zero आप apply करोगे तो तुम्हारे पास tangent आएगी, equation of ellipse आपको यही consider करनी है, x square upon a square plus y square upon b square is equals to one, ठीक है, plus y लगा देते हैं, हाँ, तो ये सीधा लगाओ t is equals to zero apply करो और इसको satisfy करा के देख लो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम खत्म। ठीक है,
ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी थी यार। एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैंने कल नहीं लिखवाया था, लिखें सब लोग प्रॉपर्टी लिखें यहां पे, क्योंकि मुझे पता था, देखते हैं आप लोग कर पाएंगे या नहीं, इसे अभी करना है अपने को। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ, अरे कहां ऊपर चला गया, टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट between the point of contact and the point where it meets the directrix subtends right angle, subtend right angle at the corresponding focus. Length of tangent between the point of contact and the point where it meets the directrix, subtend right angle at the corresponding focus. समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। समझ गए सर। समझ गए? प्रूव करके दिखाओ जल्दी। ट्राई करके देखो एक बार, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तरुण बेटा तुमको थोड़े से पुराने वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, देखना है ना, अगर कुछ भी दिक्कत आती है मुझसे पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आई होप तुम फ्री हो गए होगे बाकी सारी चीजों से। बेटा क्लास अटेंड करो रेगुलर, रीजन क्या है, चार बार जय होने का चांस बन रहा है, ठीक है। चार बार होगा तो हम नहीं चाहेंगे ना कि परफॉर्मेंस हर सबका बेस्ट लिया जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ना कि मतलब चारों में से किसी में भी गिरे, तो बेटा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सीरियसली, ठीक है, है ना। जल्दी जल्दी ट्राई करो। अच्छा ये जो है, कितने भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज मोर देन एनफ है आपके जेईई मेन के पेपर के लिए, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज और बूस्टर देंगे हम आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज और बूस्टर लगा लो बस। मैथमेटिक्स का तो मैं वो दे दूंगा, रामबाण है वो, आपने नरेंद्र सर तो पूरी एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में सिर्फ हमको क्या करना है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज लगाओ और बूस्टर लगाओ। बूस्टर अभी मैं भेजना शुरू करूंगा आपको, जो जो चैप्टर्स आपके खत्म होते जाएंगे भाई, रामबाण है वो, अगर लगा डाला उसके बाद में मैथमेटिक्स में रोक नहीं पाएगा कोई भी आपको। 26-26 क्वेश्चन फोड़ोगे आप 30 में से, ठीक है। तो 75 करने 90 में से, अब की बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, देखते हैं क्या होता है, आगे देखेंगे। अच्छा आप में से दूर की जगह का कौन है, मतलब आदित्य तुम कहां के रहने वाले हो, जल्दी जल्दी बताते जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन कराना है, बताते जाओ। आदित्य कहां के हो तुम, पटौदी, ठीक है। अजय तुम कहां के हो, अजय सॉल्व भी करते जाओ साथ साथ, या तो म्यूट करके अनम्यूट करके बोल दो या कैसे। अजय तुम कहां के हो, एक तो मुझे पता है पटौदी की है। कुणाल तुम कहां के हो, सर रेवाड़ी। अजय, अजय ने बोला क्या, किसने बोला, कुणाल, कुणाल रेवाड़ी से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मोहित तुम कहां रहते हो, पचगांव। पचगांव कहां पे, मानेसर के पास, मानेसर के पास, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पचगांव मैं जानता हूँ, हाँ ठीक है। निर्मल तुम कहां, तुम तो यहीं रहते हो आसपास ही, सुशांत भी आसपास है, तरुण भी है, मैं जानता हूँ कहां पे। अजय ने नहीं बताया बस, अजय तुम कहां पे हो, ये शायद कहीं और अटेंड कर रहा है क्लास, कोई नहीं, चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आगे कराऊं, हो गया या नहीं हुआ बताओ जल्दी। हो गया या नहीं हुआ जल्दी बताओ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक subtend the right angle at the focus। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ हल्का सा कि क्या बोलना चाहता है ये, फिर हम उसको मैथमेटिकली चेक करेंगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अब इसने बोला length of tangent between the point of contact and the point where it meet the directrix। अब देखो भाई, अब आपने tangent बनाई यहाँ पे, अब वो जरूरी नहीं है कि वो आपके directrix को कहाँ पे करेगी, वो lattice rectum से तो बन नहीं रही है ना,
दो जरूरी नहीं है, वो कहीं पे भी मीट कर सकती है आपको। अब नोन पॉइंट ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। नोन पॉइंट क्या ले लेते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स से ही ले, उसे लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ले लेते हैं, ताकि सारी सारी चीजें हमको पता रहेंगी, पता रहेंगी तो निकालना ज्यादा आसान रहेगा। बाकी जनरली ये सबके लिए ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पे जाके मीट करेगा, ये यहां पे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, यहां पे बोला है, ठीक है। ये किसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, ये कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने लेटस रेक्टम का। ये क्या है, फोकस। तो देखो 90 डिग्री बन तो रहा है, क्या करना, कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। पॉइंट कितना हो गया ये, ए कॉमा जीरो, हाँ सर, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया, ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, यस सर, ठीक है। ये आपके पास में कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए बाय ई, सीधा देखते ही बन गया ना ये। अभी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि आप जो टेंजेंट बनाओगे वो आपके डायरेक्ट्रिक्स को कहां पे जाके मीट करेगी, एक्सिस पे, ठीक है। और यहां पे चीज क्या पता चली आपको कि लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट भी है मेरे पास, तो देखो ना वो फोकस पे क्या बनाना चाहिए था, 90 डिग्री, यही तो ये प्रॉपर्टी बोल रही है, सीधा ही बता दिया मैंने, बिना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ में आई, बोलो ये 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब कल बोलोगे सर, कल आप बोलोगे सर मैं तो भाई यहाँ पे बनाऊंगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर मैं तो यहाँ बना रहा हूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारी वही यही आ गई, ये लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट नहीं लेते इसको, ठीक है। तो सर कैसे होगा, मैं बोलूंगा मान लेते फोकस यहाँ है, तो ये इसको मिलाएगा और ये इसको मिलाएगा, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 90 बनेगा। अब बोलोगे सर मैं इसे प्रूफ कैसे करूं, तो बोलूंगा बेटा जनरल कोऑर्डिनेट ले यहाँ पे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है। और वहां से तू टेंजेंट बनाते टी इक्वल टू जीरो लगा के, यहाँ पे तेरा डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई पे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लियो, ये पॉइंट आ गया, फोकस के ऑलरेडी कोऑर्डिनेट है तेरे पास माइनस ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इसका स्लोप निकाल, इसका स्लोप निकाल, एम आर एम टू इक्वल टू माइनस वन, करेक्ट, ओके सर, डन है, हां सर, यस सर। चलिए बढ़िया हुआ, यहां हमने भैया प्रॉपर्टीज के साथ में छिड़कानी करना बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट हो गया तो प्लीज बताइए, क्योंकि मैं अब आगे थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूं नॉर्मल की तरफ, क्योंकि मैंने ज्यादा दिन नहीं लेना चाहता, मैं दिसंबर दिसंबर में उड़ा देना चाहता हूं, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का टास्क बहुत आसान है, 3D जो आपने बोर्ड में पढ़ा है जेम, बस उसको रीस्ट्रक्चर कर दूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा, आपको सारी चीजें ऐसे लगने लग रहे ये तो मजाक है, ठीक है। इतना आसान बना दूंगा 3D आपका, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है उसमें वेक्टर 3D में शीट कर दूंगा, है ना। फिर उसके बाद में एलजेब्रा थोड़ा लेट चलेंगे, उसके बाद कैलकुलस, आपने जो कुछ पढ़ा है उसमें बहुत ही नई चीजें बताएंगे, लेकिन कैलकुलस का एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया है। कोऑर्डिनेट एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा गेम किया हुआ है आपके साथ में, बहुत थोड़ा दिया है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वो एलजेब्रा वाला पार्ट अलग है कि थोड़ा ज्यादा है हमारे पास, लेकिन ठीक है हम कवर कर देंगे, टेंशन मत लो उसको, जब जरूरत पड़ेगी रोज भी लगाएंगे क्लास, वो सब टेंशन नहीं है। एक बार फाइनल नोटिस आने तो हो सकता है आपको हम बुलाएं यहाँ, क्योंकि उसके बाद में फिर लगातार 3 महीने ऐसा रिग्रेस प्रिपरेशन चलेगी ना। क्यों हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भाई, हमारा बेस्ट है, बेस्ट इसलिए क्योंकि इतनी रिग्रेस प्रिपरेशन करेंगे ना, सुबह घुसेड़ेंगे सेंटर में शाम को निकालेंगे, ऐसे हो जाओगे तुम लोग के, अरे पेपर मजाक भाई, ठीक है। कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने उठा के रख दिया ना, खत्म, कुछ है ही नहीं, डन है मामला, बड़े आगे, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, चलो एंड में चलते हैं क्योंकि बार बार पीछे की तरफ ही भाग रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नॉर्मल, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं सेंगेज पब्लिकेशन की बुक यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो उससे पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग इस चीज को अगर बाई चांस आप नोट्स में कुछ गड़बड़ हो रही है आपके, वैसे तो मैं दूंगा सब कुछ, लेकिन अगर नोट्स में एक साथ अपलोड कर दूंगा पूरा, नोट्स में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो सेंगेज पब्लिकेशन की आप बुक उठाएंगे, उसमें आपको एज इट इज मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन बस नहीं मिलेगा, मतलब वो उनके हिसाब से ऑथर ने लिखा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उनका प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, जैसे कुछ का होता है कुछ का नहीं होता, तो बाकी सब कुछ मिलेगा, ठीक है यार। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फटाफट, अब ये काम आपको करते जाना है, मैं बस लास्ट फॉर्म बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक इलिप्स है भाई, ये जिंदगी में मेरा कभी खराब सही नहीं हो पाया, ठीक है। ये इलिप्स है, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। ये अपने पास ये हो गया, ये अपने पास ये हो गया, है ना, तो ये हो गया 90, ठीक है। तो ये टेंजेंट है,
उस टेंजेंट पे आप अगर 90 डिग्री बनाओगे, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या रहती है, टेंजेंट जहां पे है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, उसी जगह पे अगर आप एक 90 डिग्री लाइन बना दो तो वो आपकी नॉर्मल कहलाने लगती है। तो ये नॉर्मल है। पॉइंट आपने कोऑर्डिनेट क्या ले लिया भैया, x1, y1, ठीक है, x1, y1 ये पॉइंट लिया हुआ था आपने। तो x1, y1 पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद में इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाएंगे। तो इलिप्स क्या यूज कर रहे हैं, x2 / a² + y2 / b² = 1। सबसे पहले t = 0 लगाओ तो टेंजेंट मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, बोलो रे दोस्तों, ठीक है, x x1 / a² + y y1 / b² = 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी। यहां से स्लोप निकाल लेते हैं, m1 स्लोप कितना हो जाएगा बताओ। अब तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई ना, लाइन की इक्वेशन में क्या करते हैं बेटा, याद है किसी को लाइन की इक्वेशन में क्या करते हैं? अगर मेरे पास ax + by + c = 0 है, स्लोप कैसे निकालेंगे उसका? x का जो भी कोफिशियंट है उसके सामने नेगेटिव लगा दो, y के कोफिशियंट को डिवाइड कर दो। यही तो कर रहा है। x का कोफिशियंट कितना है, -x1 / a², उसका y का कोफिशियंट कितना है, y1 / b², खत्म। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि स्लोप में हम ऐसा ही करते हैं। बोलो रे, कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। जब मैं बोलो रे बोलूं तो प्लीज बोल दिया करो यार, ऐसा लगता है जैसे तुम सो गए मैं कुछ भी करे जा रहा हूं। ये हो गया स्लोप। स्लोप किसका मिल गया, टेंजेंट का। तो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप है m1, इसमें स्लोप कितना है अपने पास में, ये है m2, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये टेंजेंट का स्लोप है, मुझे किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल स्लोप कितना हो गया, m2। तो आप क्या बोलोगे, m1 m2 = कितने के बराबर, -1। तो m2 = -1/m1। तो -1/m1 की जगह डालेंगे तो -b² x1, ठीक है। यहां से ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, तो x1 और यहां पे आ जाएगा y1 और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो m2 = कितना हो जाएगा, a² / b² × y1 / में कितना हो जाएगा, x1। किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गया m2, ये मेरे पास में कितना हो गया m1, पॉइंट कितना है x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप मिल गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वुड बी y - y1 = a² / b² × y1 / x1। दिस इज द स्लोप एंड x - x1। सो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मैं इसे थोड़ा रीअरेंज करने जा रहा हूं। रीअरेंज कैसे कर रहा हूं, मैं इसमें ए स्क्वायर को किसके साथ ले जा रहा हूं, एक्स के साथ में, एक्स वन को उसके साथ में। तो थोड़ा रीअरेंज करके मैं इसे अगर लिखना चाहूंगा तो ए स्क्वायर एक्स, यहां पे एक्स वन है, माइनस में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, वाई वन, ठीक है, इसको वाई को ढंग से बनाते हैं, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a square upon x1 times of x minus b square upon y1 times of y is equals to a square minus b square, ये क्या हो जाएगा बेटा, equation of normal। क्या हो जाएगा, equation of normal। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्म में कन्वर्ट कर था मैंने जानबूझ के, मैंने कुछ नहीं किया यार। देखो ये a स्क्वायर और x1 को इससे मल्टीप्लाई किया है और ये y1/b² को इधर उल्टा, b² / y1 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ये फॉर्मेट में क्यों बोला है, क्योंकि अभी देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपको ये फॉर्मेट याद रखा। तो बढ़ू आगे सर, थोड़ा जूम आउट। हां सर, डन हो गया सर। डन है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा इसी में ले लेते हैं, इसी में नीचे ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, कौन सा पैरामीटर लगा दे, नॉर्मल एट x1 y1, ये था नॉर्मल एट पॉइंट
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, नॉर्मल एट पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन इज ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो जाएगा वाई वन इज बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको उड़ा देंगे, ये इसको उड़ा देंगे, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में, इसे ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स अपॉन में कितना है कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। डन है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? हाँ, कोई दिक्कत किसी को यहां तक किसी भी तरीके से? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? चलिए, नोट हो गया यहां तक? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। डन है, चलिए भाई अगला अगला नोट करके लिखेंगे, आप नोट करके लिखेंगे नॉर्मल एट, सॉरी ये तो हो गया नॉर्मल, पहला नोट है भाई ये, मैं उसमें भी बता चुका हूं पैराबोला में, नॉर्मल अदर देन, नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सेस, नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सेस नेवर passes through focus, normal other than major axis never passes through focus, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, याद है क्या ये मैंने आपको पैराबोला में सिखाया था, थोड़ा बहुत कुछ याद है पैराबोला में किया था हम लोगों ने, ये याद है या नहीं है? अरे हाँ या ना, चलो बता देते हैं, एक बात बताओ, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि पैराबोला वाले में क्या किया था वो समझा देता हूं, देखो ये मेरे पास में क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स, ठीक है, इसमें एक जनरल पॉइंट मैंने लिया, वो जनरल पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में निकाल के दिखाओ, याद है किसी को, याद है किसी को नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में? हाँ सर। y is equals to mx minus 2am minus am cube, याद आया? हाँ सर। ना? अब मैंने क्या बोल दिया कि भैया इसको हम क्या करने को जा रहे हैं, अब हमने बोला कि नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस, इसमें एक्सिस था, यहां पे क्यों यूज कर रहा है वो मेजर एक्सिस, को नॉर्मल पॉइंट्स पढ़े थे ना तुमने, है ना, उनके हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं यार कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम लोगों को पता चल जाए, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट जहां से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस से पास कराना चाहते हो ना तुम इसको, नॉर्मल मान लिया ये तुम्हारे नॉर्मल है, ठीक है, अब तुम इसे फोकस से पास कराने की कोशिश करते हो, फोकस कितना है बताओ तुम्हारा, पॉइंट कितना हुआ इसका, एक कॉमा जीरो, अगर ये नॉर्मल है तो फोकस से पास करना चाहिए, तो फोकस से पास करेगा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए एम माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, सही बात नहीं है? यस सर। तो तुम ध्यान से देखो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, जीरो इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा माइनस ए एम माइनस में कितना है ए एम क्यूब, है ना, तो माइनस ए एम यहां से कॉमन आ जाएगा, मतलब वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो लिख दिया जाएगा, मतलब यहां से पता चलेगा तो एम की वैल्यू कितनी हो गई बेटा जीरो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, ए जीरो नहीं हो सकता, तो एम की वैल्यू जीरो, मतलब अगर कोई भी नॉर्मल आपका कहां से पास करता है फोकस से पास करता है तो वो केवल कौन रहेगा स्लोप इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्सिस, याद आया या नहीं याद आया? अब आ गया सर, आ गया ना, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है इसके केस में करना है, हटाओ इसको। हाँ सर। सेम प्रोसेस आप इसके केस में कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था ना कुछ प्रॉपर्टीज इंटर रिलेटेड रहेंगी, तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पे इलिप्स के केस में कंसीडर करके चल रहे हैं, समझ आया नहीं समझ में आया?
आ गया सर। आ गया बड़ू आ गए। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि इलिप्स के केस में कैसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब इलिप्स का जो नॉर्मल की इक्वेशन आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखी है दैट इज कितना लिखा है, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा। समरी बनाना शुरू किया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। हेल्प मिली उससे कुछ? क्वेश्चन करते टाइम मिलती है सर। याद करने में मतलब आसानी हो रही है? किसी ने कितने चैप्टर्स की बना ली, पैराबोला तक बना ली सर? पैराबोला शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो पैराबोला तक कितने लोगों ने उसको रोज उठ के सुबह देखना स्टार्ट कर दिया? सर मैंने कर दिया है। मैंने कर दिया सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स याद करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी बेटा, जल्दी 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 देखना, तुम बहुत जल्दी आराम से देखोगे कि जल्दी, मेरा कहने का मतलब है टाइम ड्यूरेशन बहुत ही जल्दी ऐसा होने लगेगा। ठीक है, आपको याद होने लगेंगी चीज। ठीक है, चलिए ये मेरे पास एक नॉर्मल है, ये मेरे पास एक इलिप्स है। ठीक है, नॉर्मल मेरे पास हो गया, अब मैं इलिप्स लेके चल रहा हूं, इलिप्स मेरे पास ये हो गया, ये लो इलिप्स, नॉर्मल भी मिल गया इलिप्स भी मिल गया। अब मुझे बता दो बस तुम कि नॉर्मल है इलिप्स है, अब मुझे क्या करना है, इसको कहां से पास कराना है? फोकस से पास कराना है। फोकस का पॉइंट कितना है? ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा। बोलो भाई, कुछ नहीं है, इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर डालूंगा ना। पॉइंट को डालते हैं, कितना हुआ a इंटू ए डिवाइड में कितना हो गया cos थीटा, यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लू, ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे e अपॉन में कितना हो गया cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया जाए बताओ, ए स्क्वायर, तो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जनरेट हो गया, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर उड़ा दिया। अब बताओ ये कितने के बराबर हुआ, e अपॉन cos थीटा इक्वल टू e, ये कितने के बराबर हुआ, e स्क्वायर के, स्क्वायर के बराबर हुआ। ठीक है, e से ही काट दो। हाँ, e से ही काट दे, e से एक e काट देंगे, e कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, यहां से ले लेते हैं cos थीटा, एक सेकेंड, हाँ cos थीटा यहां से हमने इसको भेजा तो ये वन अपॉन ई के बराबर हो गया। यस सर। है ना? हाँ सर। तो cos थीटा, अब नॉर्मल हमारा जा रहा था, ठीक है, नॉर्मल को हमने यहां से पास कराया, तो यहां से हमें cos थीटा कितने के बराबर मिल गया, वन अपॉन ई के बराबर। cos थीटा से tan थीटा कैसे मिलेगा? cos थीटा से tan थीटा निकाल सकते हैं क्या भाई? थीटा की वैल्यू वन अपॉन ई में तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना। ठीक है, तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। हां सर, है ना, तो tan थीटा निकाल सकते हो cos थीटा से, पॉजिटिव ही आ रहा है e की वैल्यू। आप देखो e की वैल्यू 0 टू 1 है, हो पाएगा पॉसिबल? देखो ना, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू कितना है, 0 टू 1 है cos थीटा। तुम ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 से, अब 0 टू 1 में कुछ भी हो सकता है, मान लेते e की वैल्यू 1/2 होता तो तुम बोलोगे 1/2 ये चला जाएगा ऊपर, मतलब कितना हो गया 2। हां सर। क्या cos थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना, मतलब थीटा की कोई वैल्यू ही नहीं पॉसिबल हुई ऐसे केस में। ठीक है, थीटा की कोई वैल्यू हम यहां से दे ही नहीं पा रहे हैं, कि अगर कोई भी नॉर्मल, मेरा बात समझना ध्यान से, कि अगर मैं कोई भी नॉर्मल ऐसा पास कराऊंगा यहां से, या ऐसा पास कराऊंगा यहां से, या ऐसा पास कराऊंगा यहां से, या ऐसा पास कराऊंगा यहां से, तो उसके लिए मुझे कोई थीटा मिल ही नहीं रहा है यहां से भाई। नहीं समझ में आ रही बात? आगे सर, है ना, इसका मतलब कौन है फोकस से पास करने वाली इकलौती लाइन कौन है? यही तो लाइन है एक्सिस। हां सर, वही पास होगी बस, और कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हो? पैराबोला की तरह होगा सर ये तो। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए इसको बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे मूव करें। अगली है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यार। ठीक है, तो सेकंड क्या पार्ट है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी? कुछ नहीं है यार, मैं जो बताता जा रहा हूं बस उसे लिख लेना लास्ट में। एक फोकस पे अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना, और दूसरे फोकस पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद आएगा वो,
मतलब अगर एक फोकस से तुमने एक रे निकाली, वो इसको जाके टकराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगा? दूसरे फोकस से पास करेगा, ठीक है? तो ये अपनी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। ये एस है, ये एस डैश है, ठीक है? यहां पे तुम्हारा नॉर्मल रहेगा, तो ये तुम्हारा एक एंगल हो गया, ये तुम्हारा दूसरा एंगल हो गया, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है? तो बस यही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। तो नीचे लिख लेना, बस यहां पे स्टार बना के इसी का पार्ट है, लिख लो बस। द इंसिडेंट रे फ्रॉम फोकस incident ray from focus S dash after reflection by the ellipse at point P. P point है, at point P passes through other focus S. The incident ray from focus S dash after reflection by ellipse at point P passes through other focus. बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। आ गया सर, है ना? ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, उसमें भी तो थी, याद है? पैराबोला में क्या थी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, कोई बताएगा? हाँ, एक सेकंड, क्या थी उसमें? क्या तुमने ऐसे भेजा फोकस से पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी? फोकस से, है ना? ये इसमें थी, बोलो क्या बोल रहे थे सर? एलिप्स में अगर फोकस के अलावा किसी और पॉइंट से करेंगे तो कैसे जाएगी सर वो? एलिप्स में फोकस के अलावा, फोकस टू फोकस किया ना सर अभी, तो ये रिफ्लेक्शन, हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऐसे ही काम करेगी ना, उसके अंदर एक फोकस पे रखोगे दूसरे, देखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी काम कहाँ आती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह इस रिफ्लेक्शन वाले का भी यूज कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, रे गई यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से पास करी, ठीक है? तो हमें कभी कभी ऐसा होता है पी पॉइंट निकालना होता है, कभी कभी हमें कुछ कुछ निकालना होता है, कभी वो बोल देगा कि नॉर्मल यहाँ पे एक्सिस को कहाँ कट करे, बहुत कुछ पूछा जाता है इसमें, ठीक है? अब तुम बोलोगे कि अगर मैं फोकस के अलावा एक्स्ट्रा कहीं पर रखूंगा तो वो डिपेंड करेगा ना मिरर के कितना नजदीक है, ठीक है? वो यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब है ये इंटरनल आउटर एरिया शाइन है, मतलब अंदर मिरर की तरह काम कर रहा है, तो तुम यहां पे रखा, यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो कहीं भी जाएगी ना, इधर उधर कहीं भी भागने लगेगी, हो सकता है इधर रिफ्लेक्शन हो, फिर यहां से जाके हो सकता है यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां जाए, तो वो अंदर वाला पार्ट अलग है, लेकिन ये सर्टेनिटी है कि ये यहां पे रखेंगे तो यहां जाएगी, वो अंदर का मिरर का, फिर वो मिरर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा जो पहले किया करता था, समझ रहे हो? ओके सर, मतलब ये कंफर्मड है कि यही रहेगा। मेरी आवाज लैग हो रही होगी इंटरनेट? हाँ, ये फिक्स है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जब भी तुमसे एलिप्स की बोली जाएगी, मतलब तुमको याद रखना है एक फोकस पे अगर तुम इंसिडेंट रे भेजोगे एक फोकस पे ऑब्जेक्ट रख के, तो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनाएगा दूसरे फोकस पे। ओके सर, क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमें बढ़ना है आगे। हेडिंग लिखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मुझे ऐसा नहीं लगता, कि मुझे बहुत कुछ इसके बारे में बताने की रिक्वायरमेंट है, आप सब लोगों को बहुत कुछ आता है ऑलरेडी। बताओ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ भाई, कोई बताएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एक एलिप्स दे रखा है, उस पर आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, इन दोनों पॉइंट्स जो एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड बना देंगे, दो टेंजेंट हो सकती हैं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां से कॉर्ड बना दिया जाता है। ये हो गया x1 y1, एलिप्स कितना है आपके पास में, x2 + y2 a2 + b2, ठीक है? तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा, t = 0 से मिलेगा आपको, ठीक है? t = 0 आपको कितना दे देगा एट एन आउटर पॉइंट, पॉइंट
टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एक्स एक्स वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। नहीं, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, joining points, p alpha, eccentric angle है ये, and q beta, ठीक है? मतलब क्या होता है p alpha q beta, क्या होता है भाई? eccentric angle क्या होता है? parametric angle होता है ना? तो ये point मिला p, मान लेते हैं p alpha का मतलब कितना है? अगर ये ellipse हमने लिया कितना है? x square upon a square plus y square upon b square is equals to one. तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास में? a cos अल्फा, a cos अल्फा b sin अल्फा, है ना? ये p हो गया। मान लेते q पॉइंट आपको यहां मिला बीटा, तो वो कितना रिप्रेजेंट करेगा? a cos बीटा b sin बीटा, b sin बीटा, ठीक है? ये दोनों पॉइंट को आप कैसे निकाल लोगे? इसका यूज करके निकालो कॉर्ड एक बार, क्या होता है? फिर एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ही दे दूं क्या सीधा? हैं, चलो क्वेश्चन ही दे देता हूं, उसी में लगाना। हां सर, क्वेश्चन दे, ठीक है भाई। लाइन की तो है, दो पॉइंट मिल गए एलिप्स पे, अब इक्वेशन निकाल लोगे ना बड़े आसानी से यार? नहीं कर पाओगे, है ना? दो पॉइंट हो गए, इक्वेशन निकाल लोगे तो क्वेश्चन है यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, इक्वेशन से समझो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, equation of chord, equation of a chord of the ellipse, of the ellipse, of the ellipse, x square upon 25 plus y square upon 16 is equals to 1, joining two points, joining two points, p आपका चल रहा है pi by 4 और q आपका चल रहा है कितना? 5 pi by 4, ठीक है? सॉल्व करना जरा इसको, इसका इसका यूज करके एक बार। डन है भाई? भाई बोल क्यों नहीं रहे? कर रहा हूं सर।
हो गया सर, हो गया। बाकी लोग क्या आंसर आया भाई तुम्हारा, लाइन क्या आई सर? मतलब वही आंसर कैलकुलेट नहीं किया, मतलब है? वैसे होगा कि सर मतलब आप तो बस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। पता नहीं यार कैसे अचानक रिमूव हो गया था मैं। हाँ भाई, 5 cos π/ आ रही है आवाज ना? यस सर। हाँ ये बताओ ये पॉइंट कितना आ गया, 5/√2, 5/√2, ये कितना आ गया, 4/√2, 4/√2, डन है। अब मैंने बोला q टाइम्स ऑफ 5π/4, तो 5 cos 5π/4, 4 sin 5π/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5π/4 मतलब π+π/4, π+π/4 इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये कितना आ जाएगा, -5/√2, -4/√2, ये लो खत्म। एक पी हो गया, एक क्यू हो गया, बताओ। एक पी पॉइंट, एक क्यू पॉइंट, दो पॉइंट मिल गए, स्लोप निकाल लेंगे। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताओ। ब्लैक आ रहा है। ये कितना आ जाएगा, 5/√2 + 5/√2, है ना। तो ये रूट टू वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 8 रह जाएगा, नीचे 10 रह जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो अब किसी को अप्लाई कर देते हैं y-y1 को, तो y-y1 इज 4/√2 इज इक्वल्स टू कितना है, 5/4/5 × −5/√2, सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाए। डन है, ठीक है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर, आगे बढ़ू? चलिए यस सर, सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा। अब सेम ही है यार, अब देखो यहां पे क्या होगा, एक टेंजेंट तुमने यहां बना दी, दूसरी यहां बना दी, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, समझ गए। सेम ही क्वेश्चन को यहां पे कर लो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बस। तो मैं इलिप्स बना रहा हूं यहां पे, ये इलिप्स होगा तुम्हारे पास में, एक पी पॉइंट तुमको मान लेते यहां मिला, क्यू पॉइंट तुमको यहां मिला, तो मैं पी पे एक टेंजेंट बना देता हूं। देख रहे हो कितना आसान है काम, कोई दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या किसी को, है और सुशांत दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या भाई? और आपकी आवाज ही कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। मेरी आवाज कट रही है? हाँ सर, मेरे को आ नहीं रही ढंग से। बाकी लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो ये पी पॉइंट है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। सुशांत लिखा हुआ दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो अपने को क्या करना है, जो पुराना क्वेश्चन था ना उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है।
अपने पास में पुराना क्वेश्चन था उसी को यूज कर लेंगे, या एक और चीज कर सकते हैं। चलो उसी को यूज कर लो, ठीक है, सेम क्वेश्चन को इधर कॉपी कर देता हूं। सर हाँ सर, अब आ रही है आपके आवाज, ठीक है। ये क्वेश्चन को यूज करो और कॉन्सेप्ट निकालो, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की जगह फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ये इरेज नहीं कर सकता मैं इसमें, ये नहीं करना अपने को, ठीक है, यहीं पे करो। पी आप मैं लिख रहा हूं पाई बाय फोर, क्यू दे रखा है आपको फाइव पाई बाय फोर, आपको चाहिए पी पॉइंट क्यू पॉइंट है, फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पी एंड क्यू ऑन द एलिप्स x square upon 25 plus y square upon 16 is equals to 1. Solve karo jaldi. Solve karo jaldi. सॉल्व करो बेटा जल्दी। Done. भाई सारा टाइम शायद ये पैरेलल बनेंगे सर, शायद ये टेंजेंट्स पैरेलल बनेंगे, एंगल वो है 5/4 कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, ऐसा मतलब ये नो सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, हाँ पैरेलल बनेंगी है ये, पाई बाय फोर बदल देते हैं और एक काम कर देते हैं पाई बाय थ्री कर देते हैं इसको, अब ठीक है, अब ट्राई करो जल्दी।
चांसेस तो वैसे नहीं है, ठीक है कोई नहीं, बनाओ बनाओ। हाँ तुम्हारा ये कहना हो सकता है कि जैसे पाई बाय फोर और फाइव पाई बाय फोर के केस में हो क्या रहा होगा ना, एक आ रहा होगा ऐसे ये, और उसी के दूसरे साइड में ये आ रहा होगा, मतलब पाई प्लस पाई बाय फोर आपको मिल रहा होगा, तो एक मिल रहा होगा पाई बाय फोर ये वाला, तो ये टोटल पाई मिल रहा है और फिर ये पाई बाय फोर मिल रहा है, तो सही कह रहे हो आप कि एक यहाँ मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी, ये पाई बाय फोर है, ये भी पाई बाय फोर है, और ये वाला पोर्शन जो है वो वाला पूरा आपका यहां से यहां तक वाला पाई है, तो इसलिए ये जो नीचे की तरफ मिल रहा होगा ये वो पॉइंट मिल रहा होगा पाई पाई बाय फोर वाला, और ऊपर वाला मिल रहा होगा पाई बाय फोर वाला, इसलिए आपका ये कहना है। ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा हमने दे दिया आपको पाई बाय थ्री, शायद उससे ट्राई करके देखो उससे मिल जाए, ऊपर भी बदल देता हूँ मैं यहाँ पे। डन डन। हुआ भाई हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हुए हैं, आपने किया इसमें अप्लाई किया उस पॉइंट पे टेंजेंट लिखा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बड़े आसानी से आ जाएगा, तो बच्चों वाला काम है, इसमें भी कोई दिक्कत आ गई? कोई बात नहीं नहीं, सर, हो बस जाएगा, कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, आप कर लेना, अगर दिक्कत आती है तो मुझे बताना, लास्ट अपना पॉइंट है यार, हेडिंग लिखो, इसके बाद जो अपनी कल की क्लास है उसमें ये चैप्टर एंड हो पाएगा, उसका रीजन है इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे मैंने अभी आपको बताने थे लेकिन मैंने बता नहीं पाया, रीजन क्या है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? तो अभी क्या है, इक्वेशन ऑफ, उसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, उसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, को नॉर्मल पॉइंट रहेंगे, और जैसे हमने उसमें देखा था ना, को नॉर्मल पॉइंट देखे थे उसके अंदर पैराबोला में, और सर्कल पासिंग थ्रू को नॉर्मल पॉइंट्स देखा था, सेम दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स के डेरिवेशन थोड़े लंबे हैं पर सिमिलर डेरिवेशन है, इसलिए मतलब एक डेरिवेशन करेंगे उससे दोनों चीजें डेराइव हो जाएंगी, तो कल के लिए टारगेट आपका यही रहेगा कि आप लोग प्लीज पैराबोला की शीट करके लेके आए, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलेवन of the ellipse whose midpoint is x1 y1, क्या होती है
एक दे रखा है एलिप्स, एक ये कॉर्ड दे रखी है, इसका मिडिल पॉइंट दे रखा है आपको, टी इज इक्वल्स टू एस वन, हम यहां पे अप्लाई करते आए हैं हमेशा से, तो टी इज इक्वल्स टू एस वन हो जाएगा, टी हो जाएगा कितना, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, ये टी हो गया, ठीक है, एस वन हो गया एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, डन है, ये नोट कर लो, फिर तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे काम कर सकते हैं हम लोग, ये नोट कर लो, टी इज इक्वल टू एस वन, देखो सर्कल में भी यही था, पैराबोला में भी यही था, इलिप्स में भी यही था, सब कुछ वही चलता जा रहा, ठीक है, ये नोट कर लिया, बोलो हाँ, अरे हाँ या ना, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, अब करो वो कैलकुलेशन वापस से चालू रखो। तो इस तरीके से हम ऑलमोस्ट इलिप्स को खत्म कर चुके हैं, अब क्या है भैया, इलिप्स हमारा खत्म हो जाएगा तो आगे क्या काम रहेगा, आगे के काम आगे करने, तो इलिप्स के बाद में क्या है सिस्टम यार, हम करेंगे हाइपरबोला, तो हाइपरबोला शुरू में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है, फिर उसका रहेगा कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन में रेक्टेंगुलर हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी चीजें ऐसी हैं जैसे उसमें एसिम्प्टोट्स मेरे को आपको समझाने जो आपने कभी तक अभी तक कभी देखे ही नहीं होंगे, तो वो कुछ चीजें हैं जिन पे अपने को बात करनी रहेगी, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए, निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कल का होमवर्क है पैराबोला की शीट।